Dear parents, today school has sent you one message with link of Google form. Kindly submit this so that the mobile numbers and siblings details can be updated in the school record. प्रिय अभिभावक, कृपया आज आपको जो मैसेज प्राप्त हुआ है जिसमें एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, कृपया उसे भरकर सबमिट करें जिससे आपके मोबाइल नंबर्स और छात्र के सगे भाई बहन का विवरण स्कूल रिकॉर्ड में अपडेट किया जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन व्हाट्सएप एंड ओपन द मैसेज विच वॉज सेंड टू यू थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करें जहाँ पे आपको ये मैसेज भेजा गया था। नाउ क्लिक ऑन द लिंक गिवन, लाइक हियर इट इज़ रिटन लिंक फॉर क्लासेस 6 to 8। यहाँ पे जो लिंक दिया गया है, जैसे कि क्लासेस 6 to 8 का लिंक दिया गया है, तो आप उस पर टैप करें। टैप ऑन द लिंक, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स गूगल फॉर्म विल ओपन। कुछ क्षण में ही गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट डिटेल्स क्लास 6 to 8 के लिए ही ये फॉर्म है। इसी तरह सभी क्लासेस के लिए सेपरेट लिंक है, कृपया उसी लिंक को यूज़ करें। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो स्कॉलर नंबर। द फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन स्कॉलर नंबर मीन्स एडमिशन नंबर। टू नो द एडमिशन नंबर और अ स्कॉलर नंबर ऑफ योर चाइल्ड काइंडली सी द नेक्स्ट स्टेप। अगर आपको आपके बच्चे का स्कॉलर नंबर या तो एडमिशन नंबर मालूम नहीं है तो उसे किस तरह से आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, उसके लिए नेक्स्ट स्टेप देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस यू हैव टू ओपन नेवर स्कीप पेरेंट ऐप। इसके लिए सबसे पहले आपको नेवर स्कीप के पेरेंट ऐप को ओपन करना होगा। आफ्टर ओपनिंग द पेरेंट ऐप काइंडली टैप ऑन द 3 lines ऑन लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर। सबसे पहले बाई तरफ जो 3 lines है उस पर टैप करें और स्टूडेंट प्रोफाइल पर क्लिक करें। देन टैप ऑन स्टूडेंट प्रोफाइल। नाउ हियर यू कैन सी वन स्टूडेंट इज विजिबल रोनेल इग्नेस एंड एडमिशन नंबर इज 2715। यहाँ पे आप एक स्टूडेंट का नाम देख सकते हैं जिसका नाम है रोनेल इग्नेस और उसका एडमिशन नंबर है 2715। एडमिशन नंबर एंड स्कॉलर नंबर इज सेम, एडमिशन नंबर और स्कॉलर नंबर सेम ही होते हैं। अगर आपका एक से ज़्यादा बच्चे इसी मोबाइल नंबर से रजिस्टर है तो सेकेंड चाइल्ड को देखने के लिए नेम के बाद में जो डाउन एरो है उस पर आपको टैप करना होगा। इफ़ मोर देन वन चाइल्ड इज रजिस्टर्ड ऑन द सेम मोबाइल नंबर फॉर पेरेंट ऐप देन काइंडली टैप ऑन द डाउन एरो विच इज मैंशन जस्ट आफ्टर द स्टूडेंट नेम। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 students शो हो रहे हैं। नाउ यू कैन सी हियर 2 students आर विजिबल। सो इफ़ आई वॉन्ट टू सी फॉर द स्टैनी आई विल क्लिक ऑन स्टैनी। अब मैं स्टैनी पे क्लिक करूँगा जिससे मैं स्टैनी का स्कॉलर नंबर यानी कि एडमिशन नंबर देख पाऊँ। नाउ आई कैन सी द एडमिशन नंबर ऑफ स्टैनी 1710 इज़ अ एडमिशन नंबर। तो इस तरह से आप बच्चे का एडमिशन नंबर यानी कि स्कॉलर नंबर देख सकते हैं। हम वापस से गूगल फॉर्म में आ जाएंगे और हम यहाँ पे स्टूडेंट का SR नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे कि मैं स्टैनी का यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 1710। नाउ टाइप द स्टूडेंट नेम। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम टाइप करेंगे। स्टूडेंट का नाम टाइप करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा क्लास एंड सेक्शन। यहाँ पे आपको क्लास और सेक्शन सिलेक्ट करना है। क्लास और सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद कैटेगरी सिलेक्ट करना है। नाउ टाइप द स्कॉलर नंबर, स्टूडेंट नेम, सिलेक्ट क्लास एंड सेक्शन एंड कैटेगरी। नाउ हियर यू हैव टू एंटर द मोबाइल नंबर ऑफ मदर। यहाँ पे आपको मदर का मोबाइल नंबर एंटर करना है। देन एंटर मोबाइल नंबर ऑफ अ फादर। आफ्टर दैट यू हैव टू एंटर द थर्ड मोबाइल नंबर इफ यू वॉन्ट टू गिव। इफ यू हैव एनी थर्ड नंबर ऑल्सो यू कैन गिव। एटलीस्ट 2 number इज कंपल्सरी। इफ यू वॉन्ट टू गिव 3rd number यू कैन गिव। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मीन्स रियल ब्रदर और सिस्टर इज स्टडिंग इन सेंट पॉल स्कूल विजयनगर ओनली। अगर जो भी बच्चे का फॉर्म आप भर रहे हो उसी के ही सगे भाई या बहन सेंट पॉल स्कूल में ही अगर पढ़ रहे हैं तो आप यस सिलेक्ट करेंगे।
देन सिलेक्ट यस। इफ रियल ब्रदर और सिस्टर इज स्टडिंग इन सेंट पॉल स्कूल विजयनगर ओनली देन यू हैव टू सिलेक्ट यस। यस सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो अब सिबलिंग्स की डिटेल आपको पूछी जा रही है, स्टूडेंट का नाम और क्लास एंड सेक्शन, स्टूडेंट का नाम, क्लास एंड सेक्शन। नाउ यू कैन सी इट इज़ आस्किंग यू टू फिल द नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड क्लास एंड सेक्शन। मैक्सिमम टू मोर चाइल्ड सिबलिंग्स यू कैन ऐड। कम बैक वंस, पहले वापस बैक पे क्लिक करेंगे। इफ़ यू सिलेक्ट नो, अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं यानी कि अगर कोई सगा भाई या बहन सेंट पॉल स्कूल में ही अध्ययनरत नहीं है तो आप नो सिलेक्ट करेंगे। इफ़ रियल ब्रदर और अ सिस्टर इज नॉट स्टडिंग इन सेंट पॉल्स विजयनगर देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे, या तो बैक का और सबमिट का। तो अभी यहाँ पे आपको सबमिट बटन प्रेस करना है। लेकिन इफ़ यू आर सिलेक्टिंग यस, अगर आप यस सिलेक्ट करते हैं उसके बाद नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करने के बाद जो सिबलिंग है मतलब जो भी रियल ब्रदर या सिस्टर इसी स्कूल में पढ़ रहा है या पढ़ रही है उसकी डिटेल आपको यहाँ से एंटर करना है। जैसे कि स्टैनिक का जो रियल भाई है वो यहाँ पढ़ रहा है तो उसका नाम लिखेंगे और उसका क्लास और सेक्शन लिखेंगे। कृपया क्लास और सेक्शन रोमन नंबर में ही लिखें, कृपया क्लास और सेक्शन को रोमन नंबर में मेंशन करें। उसके बाद अगर सेकंड रियल ब्रदर या सिस्टर है तो फिल करें, नहीं है तो उसे ब्लैंक रहने दें और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दें। आफ्टर दैट क्लिक ऑन सबमिट एंड योर फॉर्म विल बी सबमिटेड।